वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक का ये है पार्ट थ्री सेशन। हमारा जो पूरा टारगेट है, टोटल हम कराने वाले हैं क्वेश्चन 271। ऑलरेडी मैं 1 to 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट वन और पार्ट टू में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। इसके लिए जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं 7300 प्लस है। इसमें क्या है, 1999 से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, सीपीओ के हों, सीएचएसएल के हों, सारे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है वो टोटल मैंने 413 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट वन से पार्ट 35। ये पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। जो लोग देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाके वन से देख सकते हैं। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ में। सेकेंड क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज मैंने 275 क्वेश्चन करा चुका हूँ, टोटल 314 क्वेश्चन है। आज भी मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, मैं हो सके तो कल इसकी 3-4 वीडियो बनेगी, इसको वीडियो मैं कंप्लीट करा दूंगा। टोटल 314 क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं पार्ट वन से लेकर के पार्ट 22 तक करा चुका हूं, यानी 275 क्वेश्चन करा चुका हूं। जो हमारा ट्रिगो का टारगेट है वो कितना का टारगेट है, 271 क्वेश्चन कराने का है, ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन हुआ है पार्ट वन और पार्ट टू में, आगे हम वन बाई वन करेंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल फॉर नोटिफिकेशन, कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की लिंक आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए, वहां पे डायरेक्टली सर्च कीजिए 7300 प्लस मैथ, और वहां पे आपको लिंक में, वहां पे आपका फोटो लगा मिल जाएगा बुक्स की, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए ये जो वीडियो है इसका टारगेट वही है 5000 लाइक्स का। अगर आप ये आगे चाहते हैं कि ये सीक्वेंस वाइज वीडियो आए, तो अगर आपको रियल में पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा जा रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इतना। देखो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा के अपोजिट, या sec थीटा cos थीटा के अपोजिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। टैन थीटा मैंने बताया हूँ कि किसके अपोजिट होता है, कॉट थीटा के अपोजिट। एंड आपको एक और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन थीटा किसके अपोजिट होता है, 1/cosec थीटा के अपोजिट। ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर पूरा आपको पूरी मैथ में, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि 70 डेज कोर्स एक कैसे ज्वाइन करें, इसके थ्रू आप पूरी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट वीडियो है ये, इसके देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी चलिए मैं इसमें ट्राई करता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। देखिए 1/cosθ, cosθ के अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा। देखो tan थीटा, cotθ किसके अपोजिट, tan थीटा, तो 1/cosθ क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा, tan थीटा। उसी तरह ये क्या होगा, ऊपर जाएगा sec थीटा, और 1/cotθ क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। यही क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन को हमने इसने कन्वर्ट कर लिया। और आपको देखो यहाँ पे क्या पता चल गया, कि ये क्या है, a है, इस वाले कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया इन दोनों का, तो ये बन गया, ये a है, ये b है, ये a है और ये क्या है, b है। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए क्या है, sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा। बी माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको तीन फार्मूले पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था 1 होता है, थर्ड बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यही सेकेंड फार्मूला है। तो ये फार्मूला पे आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीजीएल सीएचएसएल 2012 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपसे दिया गया है। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप बुक्स में देखोगे ना, तो बुक्स में आपको क्या कर दिया है, कि थीटा की वैल्यू 0 लेके बना दिया, नो डाउट। आप कैसे सोचोगे, कोई जरूरी है कि आप 0 पे, आपके माइंड में कैसे चलेगा इसका। सबसे पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ, तीन फार्मूले बताऊंगा आपको, ध्यान से रखना। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगेन बता रहा हूँ, जो लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं प्रॉपर एक बेसिक से, वो मेरी 70 डेज कोर्स ज्वाइन कर लें, उसमें ऑल अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आपको कंप्लीट मिलेगा। दूसरा होता है आपको
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तीसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं, कॉस टू थीटा के। एक और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं 70 डेज कोर्स में कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ये देखो किसके बराबर है, कॉस टू थीटा। तो मैं लिख दूँ कॉस टू थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या हो गया वन माइनस टेन थीटा इंटू ये क्या हो गया वन प्लस टेन थीटा, हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद देखो ऊपर क्या हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ प्लस, फिर क्या वन माइनस टेन थीटा और ये वन माइनस टेन थीटा, यानी वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम लेके मैंने कर दिया। आप एलसीएम लेके कर लेना, अपने अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। अब देखो फिर अलजेब्रा का कैसे यूज करते हैं, इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप अगर 70 डेज कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला। मैंने वहाँ पे दो फार्मूले बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का अगर मेरे 70 डेज कोर्स के पार्ट वन वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था, और बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है फोर ए बी। अब देखो इसी का यूज कराने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इस कॉस टू थीटा को ऐसे ही रहने दो, अब मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से वन ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है वन, वन का स्क्वायर क्या होगा वन, बी, बी क्या है टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो नीचे क्या है ए ए माइनस बी और क्या है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है वन, वन का स्क्वायर वन और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे था, तो वन माइनस ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब मैं इरेज करता हूँ इसको ताकि आपको समझा सकूँ, देखिए हमारे पास क्या आ गया, इस कॉस टू थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ, इस कॉस टू थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ, कॉस टू थीटा इंटू देखो टू है टू को ऐसे निकाल लेता हूँ, बन क्या गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से ये देखो वन माइन कॉस टू थीटा क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब देखो इसके अपोजिट है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है तो ये इधर भी उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा को रहने दो टू इंटू ये किसका है कॉस थीटा के अपोजिट, यानी क्या ये वाले फार्मूले से इसके अपोजिट है यानी वन बाई कॉस टू थीटा, और कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा कैंसिल, डैट मीन्स टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का तरीका था करने का, और ये क्वेश्चन SSC असिस्टेंट ग्रेड थ्री में आया था। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको अप्रोच में जाना है, लॉजिकल मतलब ट्रिक्स से जानना है, तो ट्रिक्स मैंने कितनी बार बोला हूं कि हर एक क्वेश्चन में लगता नहीं है, ट्रिक्स इज अप्लाइड फॉर सम पार्टिकुलर क्वेश्चन, आपसे दिया गया है देखिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो 0, 30, 60, 45, 90 वैल्यू पुट कर सकते हो, नो डाउट थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आपके माइंड में याद रखना चाहिए कोई भी हम वैल्यू पुट करें ना तो वो उस रूल का उल्लंघन ना करें। अब जैसे देखो कोई लोग होते हैं ना 45 पुट कर देते हैं, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कॉस में, लेकिन यहाँ पे टेन 45 वन होगा और वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, कभी वन बाई जीरो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर हर में अगर जीरो आता है वो अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी वो रूल का उल्लंघन करता है, तो यानी कि 45 नहीं रख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम ऐसा रखते हैं जैसे कि आसानी से बन जाए, तो जीरो भी रख सकते हैं 30 भी रख सकते हैं, 45 नहीं रख सकते इसलिए कि अनडिफाइंड हो जाएगा। और जीरो क्यों नहीं रख सकते हैं ये भी चीज मैं बता, देखो जीरो रख 90 क्यों नहीं रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, देखो ध्यान से कॉस 90 तो आपको पता है कि क्या होता है जीरो, कॉस 90 क्या होता है जीरो, लेकिन टेन 90 क्या होता है अनडिफाइंड, इन
1090 को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट समटाइम्स बोला जाता है या अनडिफाइंड, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए 90 भी नहीं रख सकते। यानी आपके पास बचा क्या, सिर्फ 0 और 30 रखने को, 0 30 रख सकते हो। तो 0 रख के देखेंगे, हमें 0 रखेंगे तो देखो 2 इंटू कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी 2 माइनस, इधर 1 है तो 1 हो गया, इंटू, अब देखो टेन 0 क्या होता है 0, यानी 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस टेन 0 क्या होता है 0, 1 प्लस 0। अब देखिए 2 माइनस 1 कितना हो गया, ये 1 इंटू, ये क्या हो गया ऊपर 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, यानी कितना हो गया 1 इंटू 2, डैट मीन्स 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये नहीं जाना कि थीटा की वैल्यू 0 ही क्यों लिए, 30 भी ले सकते हैं, लेकिन 45 और 90 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्यों, 60 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं ले सकते हैं? आपको मैंने रीजन बता दिया। और 0 इसलिए लिए क्योंकि इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, 30 से भी कर सकते हो, 60 से भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपको, और बेसिक से जानना था तो मैंने आपको बेसिक से आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए, अगर यह आपको मजा आया तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कर रहा है, कॉस वन डॉट में, प्रोडक्ट में है ना, कॉस वन इंटू कॉस टू इंटू कॉस थ्री डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। आप सारे लोगों को पता है कि कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो डिग्री होता है 1, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कहीं तो कहीं 90 होगा ना, कॉस 90, जैसे ही कॉस 90 की वैल्यू 0, और 0 इंटू दुनिया का कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉस कहीं तो कॉस 90 होगा, क्योंकि टोटल गया है 179 तक, यानी जैसे ही कॉस 90 बीच में आया उसकी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 में दुनिया का कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, दुनिया का वो क्या होता है 0। यानी देखो ये क्वेश्चन आपके देखो पूछा गया है SSC CGL टायर 1 2013 में। चलिए अब ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना हिंदी पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, और इंग्लिश में ये लिखा। देखो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने कल भी बता चुका हूँ एक चीज़, क्या बताया था कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी होता है कब, जब ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है कब, जब ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं 70 डेज कोर्स में पढ़ा चुका हूँ, जो लोग ज्वाइन नहीं किए इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, मैं प्रमोशन नहीं, मैं एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के बिहाफ में मैं ये प्रीवियस ईयर सीरीज करा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आए। अगर आपको प्रॉपर जानना है कॉन्सेप्ट तो वो आप वीडियो देख सकते हो, आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कैसे ज्वाइन करना। देखिए 2 cosec² θ ऐसे ही लिख देते हैं, 2 cosec² 23 ऐसे ही लिख देते हैं। कॉट स्क्वायर 67 को 23 में कन्वर्ट करने के लिए देखो लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर 23, क्यों, 67 और 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, यानी कॉट है तो टेन लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब आपको क्लियर हो गया इस वाले से, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस, देखो माइनस यहाँ साइन स्क्वायर 23 है, और यहाँ पे क्या है, देखो माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या बचा, इन यहाँ से माइनस मैंने कॉमन कर लिया इन दोनों में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री बन गया, और बचा क्या सिर्फ माइनस कॉट स्क्वायर 67। चलो कॉट स्क्वायर को भी 10 में चेंज कर दें, देखो कॉट स्क्वायर को भी अगर मैं 10 में चेंज करता हूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कलर चेंज, लिख सकता हूँ क्या टेन स्क्वायर 23, क्यों, क्योंकि 67 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, यानी कि कॉट है तो 10 लिख सकते हैं लेकिन 23 के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है कब, जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री, ये साइन स्क्वायर ये ए है 23 और ये बी है 67, इन दोनों को जोड़ो 23 और 67 को जोड़ो 90, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, यानी 1 हो गई, हमने लिख दिया। अब देखो इसको मैं इस तरह से रहना देता हूँ, 2 cosec² 23 × 10² 20। चलो यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, देखो कैसे हटाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ,
अब देखिए आपको एक चीज पता है, कोस थीटा हो, सॉरी मैं इरेज कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए मैं बता चुका हूं कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा यानी 1 बाई साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता था, देखो 2 को ऐसे ही रहने दो, इसको मैं लिख सकता था ना कि 1 बाई, क्या लिख सकता था, 1 बाई साइन स्क्वायर 23 लिख सकता था, इंटू इसको लिख सकता था साइन स्क्वायर 23 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 23 डिग्री लिख सकता था। इधर क्या है -1 और इधर क्या है -10 स्क्वायर 23। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप कैसे बढ़ें, साइन स्क्वायर 23 खत्म, और 1 बाई कोस थीटा, आपको पता है 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो 1 बाई 1 इधर है डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर 23 माइनस, इन दोनों में -1 कॉमन को लो तो क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 23 डिग्री। और देखो अगर जो लोग भी मैंने कल बताया था क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1, तो आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर मैं इसको भेज देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना है 23 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 सेक स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23, बचा क्या, 2 में से एक कम कर लिया यानी क्या हो गया सेक स्क्वायर 23, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये CHSL 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो मैं इतना आपको अब देखो ये सब चीज़ें मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये वाला ये, अदरवाइज मैं तो बना लूंगा। अगर ये पूरा अच्छे से समझना है ना तो 70 डेज कोर्स इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या है, वो ज्वाइन कर लोगे, सारे क्वेश्चन आप खुद ही ऑटोमेटिक बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, एक दूसरे के टेन और कोट अपोजिट होते हैं, उसी का यूज, ये क्वेश्चन SSC FCI Grade 3 में पूछा गया था। देखो टेन सारे को हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो आंसर टेन के फॉर्म में है ना, टेन और कोट में, सारे को टेन में चेंज कर लें। तो देखो टेन थीटा को ऐसे ही रख दिया, इसको 1 माइनस कोट थीटा है ना, कोट थीटा को मैं क्या करूँ 1 बाई टेन थीटा लिख दूँ, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखो प्लस कोट थीटा को फिर मैं चेंज कर लूँ 1 बाई टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको इसको मैंने चेंज कर लिया टेन थीटा, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 1 माइनस टेन थीटा। बस अब एलसीएम ले लूँ, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे हम फास्ट करने के लिए, देखो एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा नीचे क्या हो? और टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एलसीएम लोगे टेन थीटा और टेन थीटा ये वाला ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, एलसीएम लेते तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन। मैं एक स्टेप्स हटा रहा हूँ, आप एक स्टेप्स कर लेना, क्योंकि देखो एलसीएम लूंगा तो ये क्या होगा टेन थीटा माइनस वन, और ये इस तरह से हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब देखो ध्यान से, प्लस इधर क्या होगा 1 बाई, ये इसके अंदर हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब एक चीज और देखो, अब एक चीज यहीं से शॉर्ट में करना चाहता हूं, ये प्लस देखो इधर है टेन थीटा माइनस वन, इधर है क्या 1 माइनस टेन थीटा, तो माइनस कॉमन कर लें, यहां से माइनस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये उल्टा चेंज हो जाएगा ना, ये उल्टा चेंज हो गया क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन। मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, माइनस करने से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन। अब एलसीएम ले लें दोनों का, देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये देखो टेन थीटा माइनस वन तो क्या हो जाएगा ऊपर टेन क्यू थीटा, क्योंकि एक और टेन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस वन। अब देखो यहाँ पे एक रोल क्या आता है, एक क्यू माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, चलो आगे मैं देख लेता हूँ ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा का होल क्यूब, तो टेन क्यूब थीटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑलरेडी मैं अलजेब्रा में पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ, जो लोग 70 डेज कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो वही चीज़ है। देखो
ये टेन थीटा का होल क्यू है, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक स्टेप से यहाँ पे रहने दो। देखो मैं इसको क्या बोलना चाहता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि टेन थीटा का होल क्यूब, टेन क्यूब थीटा। तो देखो ये ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला ए माइनस बी, यानी ए क्या है टेन थीटा माइनस बी, वन इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी क्या है टेन टेन थीटा इंटू वन, टेन थीटा हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर यानी वन, डिवाइडेड बाई नीचे क्या रह गया टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो बचा क्या, हमारे पास आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब मैं क्या करूँ, इस टेन थीटा से सारे में भाग दे लूँ, तो इसमें भाग दूंगा तो क्या बचेगा टेन थीटा, इसमें भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा वन, और वन में भाग दूंगा टेन थीटा का तो क्या जाएगा वन बाई टेन थीटा, सॉरी वन बाई टेन थीटा, यानी टेन थीटा प्लस वन, और वन बाई टेन थीटा क्या होता है वन बाई टेन थीटा कॉट थीटा, यानी हमारा मैच किस में कर रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो देखो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ, आपसे दिया गया है कि वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखो यार ऐसे क्वेश्चन जब भी टेन थीटा कोट थीटा ये सब आ जाए ना, तो सबसे पहले वैल्यू पुट किया करो 45 डिग्री, क्योंकि क्या टेन थीटा और कोट थीटा क्या हो जाता है सेम हो जाता है, और जब भी वैल्यू पुट करो तो हमें हमेशा एक चीज माइंड में होना चाहिए कि वो कभी भी रूल्स के उल्लंघन ना करे। तो देखो ध्यान से, वन प्लस टेन 45 कितना होता है वन, और कोसेक 45 कितना होता है रूट टू, इंटू वन प्लस टेन 45 कितना होता है वन, कॉट 45, देखो कॉट 45 और टेन 45 दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं वन के। अगर मैं बात करूं सेक 45 और कोसेक 45 दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं रूट टू के, तो देखो वन प्लस क्या हो गया रूट टू। अब यहां से आगे स्टेप्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, देखो वन प्लस वन टू माइनस रूट टू, और इधर क्या हो गया टू प्लस रूट टू, वन वन टू हो गया। अब देखो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है टू टू का स्क्वायर, बी क्या है रूट टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे था ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दिया हुआ है तो ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अब देखो टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, यानी फोर माइनस टू कितना हो गया टू, टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है, कोई जो नहीं है आप 30 पे भी लो के चलोगे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब जीरो मत ले लेना, क्योंकि कोट जीरो क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, तो कोट जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह से 90 मत ले लेना, 90 पे 10 अनडिफाइंड हो जाता है, तो 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, ठीक है, 30 भी ले सकते हो, 45 तो ले ही लिया, और 60 भी लेके आप बना सकते हो। तो हमने इसलिए 45 चूज किया, ऐसा नहीं कि इस पे आंसर नहीं आएगा, इस पे भी आएगा, इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम होती है, और ये आपको एक हैबिट होगी, आपको कैसे अप्लाई करना है अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच आप 70 डेज कोर्स में अच्छे से आपको बताया गया सारा कुछ ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया, साइन एक्स दिया गया है, साइन एक्स बाई एक्स इजिकल टू कोस, सॉरी साइन थीटा बाई एक्स इजिकल टू कोस थीटा बाई वाई। हमसे पूछा गया कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस मैं कोस को इधर लेके आता हूँ और इस एक्स को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो साइन थीटा इधर कोस आ गया तो क्या हो गया इधर, और ये ऊपर चला गया एक्स तो इधर बाई वाई। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इजिकल टू क्या हो गया एक्स बाई वाई। आपको पता है ना टेन थीटा किसके इक्वल होता है पी बाई बी, P फॉर परपेंडिकुलर, B बाई बेस यानी कि लंब बटा में आधार, तो H निकल जाएगा, हाइपोटेनस क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है X और B की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आपसे दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी कितना है एक्स, यानी एक्स बाई एच, एच की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी की वैल्यू वाई और एच की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये आंसर हो जाएगा। ये किस में आंसर है, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपसे दिया गया कि एक्स इज इक्वल टू इतना, देखो दिया गया कि एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया बी सेक थीटा इंटू साइन फाई, जेड इज इक्वल टू दिया गया है सी टैन थीटा। आपसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मैं यहां से कर रहा हूं, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से अगर मैं एक्स इसको ए को इधर लाता हूं तो एक्स बाई ए क्या हो गया सेक थीटा इंटू कॉस फाई, यहां से मैं बी को इधर लेके आ रहा हूं तो वाई बाई बी क्या हो गया सेक थीटा इंटू साइन फाई, सी को इधर ले आ रहा हूं क्योंकि जेड बाई सी है ना, तो जेड बाई सी क्या हो गया टेन थीटा। अब ये कहा जा रहा है हमारे पास इक्वेशन वन टू एंड थ्री, अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखो हमसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करूंगा इधर, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो गया, देखो मैं ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसी की वैल्यू पूछा जा रहा है ना वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, प्लस में तो y बाई इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर कर लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। आगे बढ़ते हैं, माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर बाई सी इसका स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्यों लिखा क्योंकि माइनस था, हमने इसी की वैल्यू ये लिख दिया ये इसी की वैल्यू। अब देखो ध्यान से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या कर लो कॉमन, तो क्या बन गया इधर क्या बचा कोस स्क्वायर फाई फाई, और इधर क्या बचा साइन स्क्वायर फाई, और माइनस क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला होता है क्या होता है वन, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन, यानी सेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी फार्मूला है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, मैंने तीन फार्मूला बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक और बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है वन, यानी हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे वन, इस तरह से ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपके 2013 में पूछा गया है सीजीएल में, तो क्वेश्चन आसान होते हैं, करने का तरीका आपको अप्रोच पता होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 क्या दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब देखिए एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, हमसे पूछा क्या गया साइन थीटा की वैल्यू, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है और एक नॉर्मल एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा। देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा थ्री सेक थीटा प्लस थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव सेक थीटा माइनस फाइव टेन थीटा। अब क्या करेगा सेक थीटा को इधर लेके जाएगा और टेन थीटा को इधर लेके आएगा, तो तीन और पाँच कितना होगा एट टेन थीटा इज इक्वल टू इधर लेके जाएगा तो पाँच में से तीन कम करेगा तो कितना हो गया टू सेक थीटा। अब देखिए ध्यान से साइन एट इंटू साइन थी टेन थीटा को क्या लिखेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे टू इंटू सेक थीटा को उल्टा क्या होता है सेक थीटा किसके अपोजिट वन बाई कोस थीटा, सारा फार्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं टेन थीटा को क्या कहते हैं और सेक थीटा को, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया दो से कितना हो गया चार हो गया तो फोर साइन थीटा इज इक्वल टू वन, तो आपसे क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया वन बाई फोर, यानी साइन थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा था वन बाई फोर। ये तो ठीक है ये एक नॉर्मल स्टूडेंट करेगा, अगर मैं होता तो मैं डायरेक्टली करता, देखो कैसे करता वो भी पहले चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या करता, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मैं पढ़ाया हूँ, जो लोग 70 डेज कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्या बताया था
कंपोनेंट और डिपेंडेंट दो चीज़ें बताया था। देखो दो चीज़ें मैंने क्या बताया था कि अगर आपको भी बता देता हूँ कि ए प्लस बी, देखो चलो इस तरह से दो चीज़ें बताया था मैंने, दोनों बता देता हूँ। अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट को क्या कहा था कि a प्लस बी, इसमें एडिशन करो a प्लस बी, उसी में सबट्रैक्ट करो a माइनस बी, फिर वही एडिशन इधर भी करो c प्लस डी सी माइनस डी। ये तो रहा कंपोनेंट और डिपेंडेंटों का एक केस नंबर वन। केस नंबर टू मैंने बताया था, केस टू कि ऐसे कभी भी दिया गया है, जैसे देखो दिया गया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी और दिया गया है 4/3, तो आपको चलो c बाई डी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। c बाई डी जैसे ही देखो a प्लस बी ए माइनस बी तो डायरेक्टली लिखो कि a बाई बी होगा, और इधर सेम ऑपरेशन क्या करो c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। ये दोनों तरीका बताया था। देखो ध्यान से, ये a है और ये क्या है b है, ये a है और ये क्या है b है, a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या लिखोगे a बाई बी यानी sec थीटा बाई टेन थीटा। अब इधर देखो c बाई डी है तो c में d को जोड़ेंगे 5 3 8 और फिर इसमें से दोनों को घटाएंगे तो 5 माइनस, देखो c प्लस डी सी माइनस डी यानी 5 माइनस 3 2 यानी कितना हो गया 4। डायरेक्टली आपका आ गया sec थीटा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से sec थीटा बाई टेन थीटा। अब यहाँ पे भी और भी कर सकते थे, sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, इधर क्या है 4, sec cos थीटा से cos थीटा कैंसिल 1/sin थीटा इज इक्वल टू 4, तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/4। यानी आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते थे विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी, लेकिन वहीं पहुँच सकता था जिसको कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो का नॉलेज होता। नॉलेज तो सारे लोगों को, सारे लोगों ने पढ़ा, अप्लाई करना डैट इज द मेन थिंग। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में। जो लोगों को पूरा कॉन्सेप्चुअल सीखना है वो 70 डेज कोर्स, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर जगह पूरा कॉन्सेप्ट बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू करा सकता हूँ। कल को नया क्वेश्चन आएगा तो आपको 70 डेज कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में सुन लेना, उसके बाद डिसीजन अपना खुद ले लेना, ठीक है। चलिए 1+, देखिए क्वेश्चन दिया गया कि 1+sin α 1-sin α, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ कि 1+sin α 1+sin β इंटू 1+sin γ इज इक्वल टू, दिया गया है इज इक्वल टू 1-sin α इज इक्वल टू 1-sin β इज इक्वल टू 1-sin γ क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को, लेट सपोज क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है, लेट सपोज मैं दोनों का मतलब क्या कि ये इसके, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इसके इक्वल दिया गया है और ये पूछा गया क्या होगा, तो मैंने x सपोज कर लिया, यानी मैंने x सपोज कर लिया तो दोनों का मतलब x ही होगा, 1+sin α इंटू 1+sin β इंटू 1+sin γ। उसी तरह x इसको भी दोनों के इक्वल हैं तो x के इक्वल ये भी हो जाएगा 1-sin α 1-sin β इंटू 1-sin γ। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैसे सोचेंगे कि आंसर तक पहुँचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इधर देखो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 - b² यानी कि sin² α। ये क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया 1 - sin² β। इस वाले फार्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि sin² γ। और मैंने आपको बताया था कि 1-sin²θ क्या होता है cos²θ, ये तो फार्मूला होता है। तो इधर x² इज इक्वल टू ये कितना हो गया cos²α इंटू ये क्या हो गया cos²β इंटू cos²γ। अब x² इज इक्वल टू, देखो ध्यान से इसको मैं लिख सकता हूँ cos α cos β cos γ का क्या होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से x की वैल्यू क्या लूंगा, इधर रूट हो जाएगा और रूट से जब भी निकलता है तो क्या होता है प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा cos α इंटू cos β इंटू क्या cos γ। तो x की वैल्यू क्या हो गया cos α cos β cos γ, तो cos α cos β cos γ
बाकी तीनों साइन है, साइन खत्म करो, साइन वाला तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके 2013 में पूछा गया है। अब मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया, अब मैंने आपको बार बार जोर जोर से बोला था 70 डेज कोर्स। देखिए 70 डेज कोर्स है क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 70 डेज कोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपको ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर इसमें आपको मिलेगा। मैंने ऑल अर्थमेटिक टॉपिक, जो 17 टॉपिक अर्थमेटिक के होते हैं, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया विदाउट एनी फार्मूला। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 400 प्लस वीडियो लेक्चर्स, ऑल अर्थमेटिक एंड एडवांस में दोनों टॉपिक कवर्ड, ईच टॉपिक की आपको PDF मिलेगी ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस कर सको, और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी भी। ओनली फॉर 200 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं, आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक करेंटली गोइंग ऑन टॉप, जो करेंटली चल रहा है, रनिंग रनिंग कोर्स चल रहा है, वो है आपको 50 डेज कम्प्लीट कोर्स। इस कोर्स की कीमत मैंने रखा हूँ 300, क्योंकि यहाँ पे आपको 98% सिलेबस कंप्लीट है और यहाँ अभी रनिंग चल रहा है। इसमें आपको 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे आप SSC CGL के स्टूडेंट हों, CPO के हों, CHSL के हों, या रेलवे की भी प्रिपरेशन कर रहे हों। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, PDF नोट्स, साथ ही साथ आपको PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी भी मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कैसे ज्वाइन करोगे, आप पे कर सकते हो, ये मेरा पेटीएम नंबर दिया गया है, आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर दिया गया है, गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फ़ोनपे नंबर दिया गया है, फ़ोनपे नंबर जो ऐप्स होता है उसका नंबर दिया गया, आप यहाँ पर इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। और अगर आप वो यूज नहीं करते हो तो आप पेटीएम एक यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है, इसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो। पे करने के बाद करना क्या होगा, आपको उसकी स्लिप या स्क्रीनशॉट आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारा कुछ जो भी मैं बताया हूँ वो आप एक्सेस कर सकते हो। एंड आप चाहते हैं कि ये ऐसी सीरीज ये कंटिन्यू रहे, तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि लोगों को और भी पता चले और यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रोथ करे, आपकी भी, आपको भी बेनिफिट, मेरे को भी बेनिफिट, बिकॉज की इच पर्सन वी आर इंटररिलेटेड टू कनेक्टेड टू इच अदर, बिकॉज की हर एक पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।